बिहार बीजेपी में गुटबाजी तेज, पीएम मोदी कैसे जीतेंगे बिहार को, बिहार में चार भागों में बटी बीजेपी, लोकसभा चुनाव को लेकर देश के साथ साथ बिहार की राजनीति भी तेज है। सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए प्लानिंग कर रही हैं, लेकिन बीजेपी के लिए बिहार में परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बिहार को लेकर बीजेपी ताबड़तोड़ मीटिंग कर रही है, खास सीटों के खास प्लान बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार बीजेपी में इस बीच गुटबाजी तेज हो गई है, जिसे संभालना जेपी नड्डा के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। चलिए इस वीडियो में ये जानेंगे कि बिहार बीजेपी कितने भागों में बटी है, कौन नेता गुटबाजी कर रहे हैं और गुटबाजी का आखिर कारण क्या है। दरअसल बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा की तैयारी भी अभी से शुरू हो गई है, जहां विपक्ष 2024 में पीएम उम्मीदवार के चेहरे तलाश रहा है, तो वहीं बिहार में भाजपा अपने सीएम उम्मीदवार के लिए चेहरा तलाश रही है, जिसके कारण बिहार बीजेपी में अंदरखाने गुटबाजी हावी हो चली है। सबसे पहले मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार बीजेपी चार खेमों में बट गई है। पहला और नया गुट बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण को तोड़ने के लिए बीजेपी सम्राट चौधरी पर दांव खेल रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं। हालांकि इनका बैकग्राउंड कई पार्टियों का है, राजद जदयू के रास्ते होते हुए ये बीजेपी में पहुंचे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी के कई बड़े नेता नहीं चाहते कि सम्राट चौधरी को बिहार में बीजेपी का नया चेहरा बनाया जाए। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ही बीजेपी के अगड़ी जाति और पुराने नेता अंदर ही अंदर इनके विरोध में चले गए। आरएसएस का ठप्पा इन पर नहीं है। हालांकि सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। आरएसएस के नेताओं से संबंध भी काफी मजबूत बना रखे हैं। इससे आरएसएस में बढ़ती पैठ से बीजेपी के पुराने नेता और भी दुखी दिख रहे हैं। जबकि सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी को धार दे रहे हैं, क्षेत्र में घूम घूम कर युवाओं को पार्टी से जोड़ रहे हैं, बीजेपी को नया बीजेपी बना रहे हैं। तो वहीं दूसरे गुट की बात करें तो ये गुट बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद सुशील कुमार मोदी का है। सुशील मोदी को बीजेपी ने 2020 विधानसभा के बाद बिहार बीजेपी से बाहर ही कर दिया। उन्हें बिहार से राज्यसभा सांसद बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। जानकार बताते हैं कि सुशील मोदी अब पीएम मोदी की टीम में शामिल नहीं है। पीएम मोदी के काल में इन्हें बिहार की राजनीति से दरकिनार कर दिया गया। इसके बावजूद भी सुशील मोदी बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। वे अब भी सम्राट चौधरी के बाद दूसरे बड़े नेता की हैसियत रखते हैं। सुशील कुमार मोदी की पार्टी में काफी पकड़ है। विधायकों, पूर्व विधायकों और कार्यकर्ताओं के बीच काफी स्पेस बनाए हुए हैं। वैसे जातिगत समीकरण में वोट बैंक तो इनके पास नहीं है, लेकिन आरएसएस के पुराने खिलाड़ी माने जाते हैं। बिहार में अभी कई ऐसे नेता हैं जो एनडीए सरकार के मजबूत स्तंभ रहे हैं, लेकिन आज बीजेपी ने दरकिनार कर दिया है। ये नेता सुशील मोदी के साथ नजर आते हैं। नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार जैसे कई नेता नई बीजेपी को दूर से देख रहे हैं। तीसरा गुट नित्यानंद राय का है। राय को बीजेपी ने यादव वोट साधने के लिए पहले बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, बाद में इन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। नित्यानंद राय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। बीजेपी आलाकमान में इनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। केंद्रीय टीम भी नित्यानंद राय पर खूब भरोसा करती है। चिराग पासवान को एनडीए में लाने की जिम्मेदारी इन्हें ही दी गई थी। इसके साथ ही नित्यानंद राय जमीनी स्तर पर भी खूब एक्टिव रहते हैं। आज भी बिहार बीजेपी के कई नेता नित्यानंद राय की परिक्रमा करते रहते हैं। हालांकि बिहार बीजेपी में नित्यानंद राय की पकड़ पहले से कमजोर होती जा रही है। चौथा ग्रुप भूमिहार जाति से आने वाले विजय सिन्हा का है। विजय सिन्हा अभी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। सिन्हा भी आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं। लखीसराय से सटे जिलों में विजय कुमार सिन्हा का प्रभाव है। कहीं न कहीं सीएम फेस की रेस में विजय सिन्हा भी अपने आप को मजबूत दावेदार मानते हैं। सिन्हा ने हाल ही में ये कहा था कि आरएसएस बैकग्राउंड से आने वाला नेता ही बिहार में बीजेपी का सीएम बनेगा। विजय सिन्हा मीडिया के बीच खूब एक्टिव रहते हैं। बिहार बीजेपी में हो रही ये गुटबाजी लोकसभा चुनाव पर भी असर डाल सकती है। जिस तरह से बिहार बीजेपी में सीएम फेस के लिए होड़ लगी है, ये केंद्रीय नेतृत्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि पीएम मोदी गुट के सामने बिहार बीजेपी के ये सभी गुट फीके हैं। बिहार में बीजेपी के नेता गुटबाजी तो जरूर करते हैं, लेकिन आलाकमान के सामने सब चुप हो जाते हैं। अब देखने वाली बात है कि इस गुटबाजी से बीजेपी को बिहार में कितना नुकसान होता है, क्या जेपी नड्डा इसे खत्म कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए बिहार जीतना काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार एनडीए को मजबूत करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती भी कह सकते हैं। लाइव सिटीज के लिए पटना से परमवीर सिंह की रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।